हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल वाला बटन दबाइए और साथ में बेल के आइकन को इनेबल कर दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सुचुनार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 21 सितंबर है और आज की कुछ खास खबरें जो हैं सऊदी अरब की, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं कि जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि वीडियो में बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो वो कमेंट के ज़रिए पूछते हैं, तो ऐसे में जब भी मुझे टाइम मिलता है हम आप सभी को जवाब दे देते हैं। अब बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो वो खुद भी जवाब दे देते हैं, तो मैं उन सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो मेरा इतना साथ देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं कि जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो वो खुद कमेंट देखते हैं और वो खुद जवाब दे देते हैं। दोस्तों आप सभी से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि अगर उसी कमेंट का जवाब हम वीडियो के आखिर में दें तो उससे ये होगा कि सिर्फ उसी बंदों को फ़ायदा नहीं होगा जिसने सवाल किया है, इससे जो भी मेरे दोस्त को नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में उनको भी पता हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपकी राय जैसी भी हो इस बारे में कमेंट जरूर करिए, और आप सब ने जैसा मेरा सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया, ऐसे ही अपना सपोर्ट, अपना प्यार और अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए। और आप सबसे ये भी कहना चाहते हैं दोस्तों कि आप सब मेरे फैमिली मेम्बर की तरह हो, तो जैसा भी हो कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता होती हैं तो आप सब मुझे भी बता सकते हैं, और कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता होंगी तो हम आपसे भी पूछ सकते हैं। तो जैसा भी हो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों से मुनाफा बख्श स्कीमों के लिए पैसा जमा करने वाली कंपनियों ने फ़ायदा दिखाने वाली रिपोर्ट वेबसाइट पर जारी करनी शुरू कर दी। कंपनियां मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ऐसे किस्से और ऐसी कहानियां पेश कर रही हैं जिसे पढ़कर गुमान होता है कि पैसा लगाने वाला रातों रात अमीर हो जाएगा। ये कंपनियां इंटरनेट पर इश्तिहारी एजेंसियों की मदद से इश्तिहार दे रही हैं, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह की खिदमत हासिल करके लोगों को धोखा दे रही हैं ताकि उनकी जेबें ढीली की जा सकें। मुकामी अहदेदार ने इस स्कीम की कंपनियों के झांसे में न आने का मशवरा दिया है। सऊदी सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा खिलाफ एक कानून यमनी की तरफ से की जाती है। सिक्योरिटी इदारे खिलाफ एक कानून की 29,000 से ज़्यादा कोशिशों को नाकाम बना चुके हैं। 97% खिलाफ एक कानून करने वाले यमनी पाए गए। 29,442 ने खिलाफ एक कानून करने की कोशिश की थी, नाकाम बना दी गई। उसमें से 55% यमनी, 42% इथोपियन और 3% दूसरे मुल्कों के शहरी पाए गए। मुमलकत से खिलाफ एक कानून करने वालों की तादाद 1,387 रिकॉर्ड की गई। इतवार को सऊदी अरब में नेशनल डे पर छुट्टी हो गई। वजारत सिविल सर्विस ने ऐलान करते हुए कहा है कि सऊदी अरब का 28वां नेशनल डे के मौके पर इतवार को बामुताबिक 23 सितंबर को तमाम सरकारी इदारे में छुट्टी होगी। वाजह रहे कि निजी इदारे भी अपने मुलाजिम को नेशनल डे के मौके पर छुट्टी देते हैं। अमेरिका के वजीर ने बताया है कि अक्टूबर 2016 से लेकर 30 सितंबर 2016 तक अमेरिकी एम्बेसी ने सऊदियों को 77,910 वीज़े जारी किए। ये वीज़े सऊदी तलबा और रोजी रोजगार हासिल करने वालों को दिए गए। सेहती वीज़े इसमें शामिल नहीं हैं। रियाद, जद्दा और जारान में अमेरिकी कौंसल खानों ने और एम्बेसी ने तमाम मुल्कों के बासिंदों को 1,60,933 वीज़े जारी किए हैं। इनमें 70% वीज़े सऊदियों ने लिए हैं। अमेरिकी दफ्तर खारजा के तर्जमान ने वाजे किया है कि रियाद एयरपोर्ट पर दागा जाने वाला मिसाइल ईरानी था। उन्होंने तवज्जो दिलाई है कि इससे ये साबित हो गया कि मिसाइल पैदावार में ईरान ही हौसियों की मदद कर रहा है। इससे ये भी माना जाता है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम हमारे सैनिकों और खुद हमारे लिए खतरे की वजह है। हौसियों ने रियाद पर मिसाइल हमला 4 नवंबर 2017 और फिर 30 जनवरी 2018 को किया था। मक्का मुकरमा में 17 साल लड़की ने खुदकुशी कर ली। मक्का मुकरमा पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। बर्मी लड़की की लाश जाजील मोहल्ले के घर में पड़ी हुई पाई गई थी। उसने पंखे से लटक कर खुदकुशी की थी। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। पुलिस वाकये की तहकीकात कर रही है। सऊदी इंटरपोल ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन के साथ तालमेल पैदा करके धोखाधड़ी में शामिल एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक सऊदी शहरी कई लोगों से रकमें ऐड कर फरार हो गया था। शिकायत मिलने पर हकीकत हाल सामने आ जाने के बाद सऊदी अरब ने इंटरपोल की मदद से धोखेबाज को मुमलकत लाने में कामयाबी हासिल कर ली।
वजारत इंसाम ने ऐलान करके वाजे किया है कि मशरिकी रीजन सऊदी अरब के तमाम इलाकों में एक इलाका है जहां किसी सऊदी खातून या मर्द ने गैर मुल्की से शादी नहीं की। वजारत ने यह रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि 1438 हिजरी के दौरान 36,129 निकाह हुआ, इसमें सऊदी गैर सऊदी सब शामिल हैं। सबसे कम शादियाँ अल बाहर रीजन में हुई, अलबत्ता मशरिकी रीजन के किसी भी कमिश्नरी में किसी भी मुकामी शहरी ने गैर मुल्की से शादी नहीं की। गैर मुल्कियों से निकाह के सबसे ज़्यादा वाकिया मक्का मुकरमा में 21,966 वाकिए हुए, रियाद का नंबर 6,467 के साथ दूसरा, मदीना मुनवरा 2,356 के साथ तीसरा, जाजान 1,665 के साथ चौथे पे मौजूद है। दोस्तों ये थी आज की कुछ खास खबरें जो आपके साथ शेयर की गई, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों मैंने आपसे जो शुरू में कहा है उस पर अपनी राय जरूर देना, कमेंट में ज़रूर करना दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना कि ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो जैसा भी हो आप कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।